नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपतियों के बारे में। तो आपके लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात की थी। तो याद रखिए, हम लोग आपके सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जान चुके हैं, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बायोग्राफी, यानी कि आप कह लीजिए इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और फिर आपके जो भी व्यक्ति चर्चा में रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखते रहते हैं। तो आपकी जो बायोग्राफी या फिर जीवनी के नाम से प्ले लिस्ट सूची है, उसमें सभी वो क्लासें मिल जाएंगी आपको। आज बात करेंगे हम लोग आपके राष्ट्रपति रामा स्वामी वेंकट रमन साहब के बारे में। इन्हें आप लोग आर वेंकट रमन भी कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको इनकी पिक्चर्स दिख रही होगी। ये हमारे रामास्वामी वेंकट रमन साहब। तो एक इनका सामान्य परिचय देखते हैं पहले। आप सभी को पता होगा कि जब इनका निधन हुआ तो भारत सरकार ने इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिनों का शोक घोषित किया था। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए उचित श्रद्धांजलि भी थी जिन्होंने देश और उसके लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया पूरा। एक सच्चे देशभक्त वेंकट रमन के पास किसी भी पद या संगठन की अग्रणी प्रतिष्ठा थी जिसकी शक्ति से वह आगे बढ़ रहे थे। आप लोग हमेशा याद रखिए, आज के आपके नेताओं और उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। आज के आप जिस नेताओं को देखते हैं, ये अब नेता नहीं बचे हुए हैं, ये तो अपना धंधा चला रहे हैं एक तरह से, अपना बिजनेस। जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो अधिकतर नेता यही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज के नेताओं की कम तुलना उस समय के नेताओं से मत किया करिएगा। अब आप लाल बहादुर शास्त्री साहब को देख लीजिए। उनके बारे में एक फेमस कहावत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक कार खरीदी थी। वैसे तो वो कार खरीदना ही नहीं चाहते थे, फिर भी उनके परिवार ने जब पैसा डाला तो उन्होंने एक कार खरीदी उधार, मतलब किस्तों पर। तो जब वो मरे उसके बाद इंदिरा गांधी साहब ने उनका कर्ज माफ़ किया था, यानी कि ये कार का कर्ज नहीं चुका पाए वो अपनी ज़िंदगी में। और आज समझ सकते हैं, आज विधायक को छोड़िए, आप लोग सरपंच को ले लीजिए। अगर सरपंच एक बार बन जाता है तो वो फॉर्चूनर रख लेता है अपने यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग। तो आज के नेताओं, उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क था। उनके शानदार जीवन में उन्होंने कई संस्थानों का सच्चे राजनेता और बुद्धिमानी के साथ नेतृत्व किया। भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए थे। जब वह भारत के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने मलयाला और सिंगापुर में हिरासत में रखने वाले भारतीयों की रक्षा की और गठबंधन की राजनीति की उथल पुथल की अध्यक्षता भी की। एक ही अवधि में, जिसमें 2 साल में 3 प्रधानमंत्रियों को देखा था इनके समय में। आपके भारत में 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है आपके आर वेंकट रमन साहब ने। उन्होंने केवल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भूमिका निभाई। वेंकट रमन शायद आदर्श लोक सेवकों में से अंतिम थे जिन्होंने उनके काम अखंडता प्रतिबद्धता के लिए उल्लेख किया गया था, ना कि बयानबाजी और उग्रता के लिए, जो आजकल के तथाकथित राजनेताओं की एक विशेषता है और आप देखते रहते हैं इनके बारे में। वे नेहरू गांधी परंपरा के एक सख्त अनुयायी थे। उनके जीवन और काम इस तथ्य का सबूत है कि उन्होंने कभी भी 2 महानतम राजनेताओं को कोई दोष नहीं दिया। एक बात आप लोग समझ रहे होंगे, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, आपने किसी विधायक या फिर मंत्री या फिर आपके देश के किसी भी नेता को आपने रोड पर जनता की मदद करते हुए देखा है? मुश्किल से एक आधा आपने देख लिया हो तो बहुत बड़ी बात, वरना मैंने नहीं देखा है किसी को, समझ रहे हैं। और आप 1947 में दंगे चल रहे थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब आपने देखा होगा कि गांधी जी सड़कों पर निकल पड़े थे। तो नेता वो होते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये नेता नहीं है कि अब जनता मरते छोड़िए और घर में बैठ के टीवी देखें,
रामायण देखें, महाभारत देखें, कोई खेल खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। एक बात आप लोग हमेशा समझ के रखिए कि शायद मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस समय अगर भगवान श्री राम भी होते तो वो घर में ना बैठते, वो जनता के बीच में जरूर जाते। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस बारे में, तो आज के नेताओं को मत कंपेरिजन मतलब तुलना मत किया करिएगा पुराने नेताओं से, क्योंकि ऊपर वो बैठ के अगर देखते होंगे तो बड़ी बेइज्जती महसूस किया करते होंगे। इनके अगर हम लोग प्रारंभिक जीवन की बात करें तो रामास्वामी वेंकट रमन का जन्म होता है 4 दिसंबर 1910 को राजारदम गांव में हुआ था, जो आपके मद्रास के तंजावुर जिले में पड़ता था। इनका जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1910 को मद्रास के तंजावुर जिले में। अब यह तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम था रामास्वामी अय्यर और इनके पिता का नाम तंजावुर जिले में वकालत का पेशा करते थे इनके पिता। रमन की प्रारंभिक शिक्षा होती तंजावुर में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने अन्य परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र में, किसमें? इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की और विधि की स्नातक उपाधि विधि महाविद्यालय मद्रास से ही प्राप्त की। तो लगभग लगभग इनकी सभी पढ़ाई मद्रास में ही यानी कि तमिलनाडु में ही हुई। शिक्षा प्राप्ति के बाद इनके सामने दो विकल्प थे, एक ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करें अथवा स्वतंत्र रूप से वकालत करें। तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकन करवा लिया। यह अंग्रेजों के दास बनकर उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे, यानी कि गुलामी परस्त व्यक्ति नहीं थे। समझ रहे हैं? श्री रामास्वामी वेंकट रमन का विवाह होता है 1931 में। किनके साथ? जानकी देवी के साथ। तो याद रखिए, आर वेंकट रमन की बीवी थी जानकी देवी। इनका पारिवारिक जीवन भरा पूरा रहा। इनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई इनकी इन्हें इनकी 3 बेटियां थी, क्रमशः पग्गा, लक्ष्मी और विजया। तीनों की शादी हो चुकी है और अब इनके जो इनके भी बच्चे हैं इनकी बेटियों के। लेकिन पुत्र के संबंध में वेंकट रमन को दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है। उनके पुत्र की 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। कितनी? 17 वर्ष की। यह परिवार के लिए बड़ी त्रासदी थी और इस शोक से मुक्त हो पाना आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही लड़का हो, अगर वही मर जाए तो क्या बीतती है परिवार पर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करें आर वेंकट रमन साहब की, कि इनकी राजनीतिक सफर क्या रहा, तो वकालत के दौरान वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। जब ये वकालत कर रहे थे तो उसी समय आपके देश में आंदोलनों की भरमार झड़ी लगी हुई थी, तो ये स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में संचालित सबसे बड़े आंदोलनों में एक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये आपकी 1942 की बात है और सन 1942 में ये जेल भी गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भी जुड़ता था और जो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। इस दौरान भी कानून के प्रति उनकी रुचि बनी रही। जब सन 1946 में सत्ता का हस्तांतरण लगभग लगभग तय हो चुका था तो उन्हें वकीलों के उस दल में शामिल किया गया जिनको मलय और सिंगापुर जाकर उन भारतीय नागरिकों को अदालत में बचाने का कार्य सौंपा गया जिस पर जापान के साथ का साथ देने का आरोप लगा था। लॉ और ट्रेड कार्यों ने समाज में वेंकट रमन की पहचान और बढ़ाई। वे उस घटक असेंबली के भी सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी।
किसकी? भारतीय संविधान की रचना की थी। तो आपको याद रखना है कि भारत का संविधान आपका कुछ प्रावधानों के साथ लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 में भी मुक्त भारत प्रोविजनल संसद 1952 से 50 से 52 और पहली संसद 1952 से 1957 में चुने गए। उन्होंने वैधानिक कार्यकाल के समय वेंकट रमन 1952 के अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों की मेटल ट्रेड कमेटी में मजदूरों के दूत बनकर उपस्थित थे। ये कब की बात है? 1992 की। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय संसद दूतों के सदस्य भी थे। इसके साथ ही 1953 से 1954 के बीच कांग्रेस पार्टी सांसद पार्टी की सेक्रेटरी भी रहे हैं आपके आर वेंकट रमन साहब। श्री वेंकट रमन को पदों की लालसा कभी नहीं रही, यज्ञ भी 1957 के चुनाव में यह सांसद बन गए थे। इन्होंने लोकसभा की सदस्यता त्याग दी और मद्रास राज्य में सरकार में मंत्री बनाए गए। 1967 में तमिलनाडु यानी कि मद्रास जिसे बोलते थे, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तब श्री वेंकट रमन साहब को दिल्ली में योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो पहले आपका योजना आयोग चला करता था, लेकिन आपको पता होगा कि नीति आयोग आने के बाद योजना आयोग लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि योजना आयोग को ही प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आया हुआ है। साथ ही उद्योग, श्रम, संचार एवं रेलवे, ऊर्जा तथा यातायात के विषय भी इनके हवाले किए गए। वह इन कार्यालयों में 1971 तक रहे हैं। कब तक? 1971 तक। इस दौरान उन्हें इन्हें लोकसभा से अलग रखा गया। ऐसे में वह खाली समय में सी राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वराज पत्रिका का संपादन करते थे। 1977 की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी के आग्रह पर इन्होंने मद्रास से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी हैं, यानी कि विजय भी हुई 1977 में। ये आप लोग समझ रहे होंगे, 1975 में से 1977 तक आपकी इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, और उसके बाद आपने देखा होगा 77 में आपके चुनाव होते हैं। तो 77 में इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से हारी थी, फिर भी ये आपके जीते आर वेंकट रमन साहब। 1980 में लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया और कुछ समय बाद उनको रक्षा मंत्री भी बना दिया गया। वे अगस्त 1984 में देश के उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 25 जुलाई 1987 को रामास्वामी वेंकट रमन देश के 8वें राष्ट्रपति बने, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो ये इनका जीवन राजनीतिक सफर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मानों की। इन्हें अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? आर वेंकट रमन को कई सम्मान और पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। मद्रास यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था आर वेंकट रमन साहब को, और साथ ही नागार्जुन यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था। तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी और नागार्जुन यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। मद्रास मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व सम्माननीय सदस्य हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में भी सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर भी थे। किसके? सामाजिक विज्ञान के। इसके बाद बुर्दवान यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से उन्हें ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट के रूप में काम करने की वजह से यूनाइटेड नेशन के
सेक्रेटरी जनरल ने उन्हें यादगार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। कांचीपुरम के शंकराचार्य ने उन्हें सत सेवा रतन के नाम से भी शीर्षक दिया था कि नहीं, आर वेंकट रमन साहब को आपके। वे कांची के परमाचार्य के भक्त थे वेंकट रमन साहब। अब बात करते हैं इनकी अंतिम समय की, तो 27 जनवरी 2009 को एक लंबी बीमारी के पश्चात 98 वर्ष की आयु में आर वेंकट रमन साहब का निधन हो जाता है और गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। वे एक कुशल और परिपक्व राजनेता ही नहीं बल्कि एक बेहद सुलझे हुए और अच्छे इंसान भी थे। उनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा था। विभिन्न सर्वोच्च पदों पर रहते हुए लंबे समय तक देश की सेवा के लिए उनको सदैव सदैव याद रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? याद रखा जाएगा। तो ये कहानी थी आपके आर वेंकट रमन साहब की। आगे हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में। 9वें राष्ट्रपति होते हैं आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, ठीक है।